मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बागशाल पुल का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। एक बड़ी सौगात मिली है, पुल से हजारों लोगों को फायदा मिलने वाला है। झंडुता में जनसभा को संबोधित करेंगे कुछ पलों बाद, यहां पर भी उनका कार्यक्रम है। क्या बातें कहते हैं, देखने वाली बात है। आचार संहिता भी लगने वाली है, उससे पहले लोगों को सौगात पर सौगात दे रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आप जानते हैं कि कोई भी नीतिगत फैसला आचार संहिता में नहीं लिया जा सकता, कोई उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम नहीं हो सकते, इसलिए उससे पहले हमने देखा है कि कुछ दिनों से लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मुख्यमंत्री जनता को सौगात दे रहे हैं। बिलासपुर से क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आइए सीधे आपको सुनवाते हैं। उन्हें जोड़ा, अभी हम इस आपदा से उभर ही रहे थे, फिर हमारे पास उन पर्यटकों को निकालने की चुनौती थी। हमने 75,000 पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को 48 घंटे के भीतर कुल्लू जिला से बाहर देश के सुरक्षित स्थानों पर उन पर्यटकों को पहुंचाया। अभी हम इस आपदा से उभर रहे थे कि 14 अगस्त की रात को, 14 अगस्त की सुबह को पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई। प्रत्येक जिला से मुझे फोन आने लग पड़े और शिमला के शिप बॉडी में 40 लोग जो शिप की उपासना के लिए पानी चढ़ाने शिप बॉडी में गए थे वो सब दब गए। हमने एयरफोर्स की मदद ली, मिलिट्री की मदद ली, अपने पूरे तामझाम को उस शिप बॉडी के पास भेजा, पुलिस के कर्मचारियों को भेजा कि कुछ जाने हम बचा सके, लेकिन 22 लोग फिर भी हमको छोड़कर चले गए। 9 बजे के करीब मुझे सोलन जिला से फोन आया कि एक ही परिवार के 7 लोग अत्यधिक बारिश होने के कारण मलबे में दबकर हमको छोड़कर चले गए। 14 अगस्त को एक ही दिन में 75 साल के इतिहास में पहली बार बारिश के कारण 51 मौतें हुई। 2 महीने की आपदा में 551 लोग हमको छोड़कर चले गए। मैं प्रदेश के हर कोने में गया, 4,000 घर पूर्णतः नष्ट हो गए, 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए, पशुशालाएं नष्ट हो गई, जीवित पशु बह गए। हर जगह जाकर मुझे एक ही बात में सुनने को मिलती थी, अब हम क्या करेंगे। कई बहनें मेरे साथ गले मिलकर रोने लगी, हमने पाई पाई जोड़कर अपने हाथों से अपने सर पर ईंटें ढो धोकर एक पक्का घर बनाया। पिछली रात मैं उस घर में सो रही थी अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ। अचानक इतनी तेज बारिश हुई, मैं सिर्फ अपने परिवार को संभाल सकी और केवल अपने परिवार को निकाल सकी, मेरे पास तो पीने के पानी का गिलास तक नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे। हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से एक नियम बनाया कि जो तंबुओं में रह रहे हैं उन्हें गांव में किराए का मकान रहने के लिए 5,000 रुपया सरकार उपलब्ध करवाएगी और 31 मार्च 2024 तक गैस का सिलेंडर और खाने की सुविधा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। शाम को मैं बैठक करता था अधिकारियों से कि इन घरों को कैसे बचाया जाए। 16-17 हजार घर, 16-17 हजार परिवार जहां सड़कों पर आ चुके थे, मन में पीड़ा थी। अधिकारी बार बार कहते थे कि आप 1,30,000 घर बनाने के लिए दे सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आप सिर्फ 1,50,000 रुपया घर बनाने के लिए दे सकते हैं। कई पंचायत प्रधान होंगे वो जानते हैं इस बात को। हमने कहा 1,30,000 में, 1,50,000 में कैसे घर बनेगा। उन्होंने कहा इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, ये कानून है, ये नियम है। मैंने उस कानून को पढ़ा, रात को घर में उस कानून को पढ़ता था 3-3, 4-4 बजे तक, और अगले दिन मैंने कहा कि ये कानून अगर हमें उन गरीब आपदा प्रभावित परिवारों की मदद के लिए अगर बदलना पड़े तो हम उस कानून को बदल देंगे।